हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया की किचन ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग के साथ मथुरा से। अभी बज रहे सुबह के 9 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। झाड़ू लगा लिया है मैंने पूरे घर में, अब लगा रही हूँ मैं पोछा। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है 500 ग्राम भिंडी, तो आज मैं बना रही हूँ दही वाली भिंडी। ये मैंने सुबह ही उठ के धो लिए थे, तो चाय वाय पी के मैंने सबसे पहले भिंडी काट ली थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया था। तो मैं आज बना रही हूँ दही वाली भिंडी, आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर ली है सारी, और यहाँ पर लिए थे मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज, 2 हरी मिर्च, और यहाँ पर रख दिया गैस में कढ़ाई, इसमें डाल दिया तेल, तेल गर्म हो चुका था, इसमें डाल दिया है जीरा, और अब डाल दिया इसमें प्याज, प्याज को भून लूँगी मैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च। यहाँ पर प्याज का कलर हो गया है चेंज, तो मैंने इसमें डाल दिए बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही, इसको भी अच्छे से मिला लूँगी मसालों में, और डाल दूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद डाल दूँगी इसमें कटी हुई भिंडी, इसको अच्छे से मिला लूँगी मसालों के साथ। यहाँ पर मैंने मिला लिया है, इसको ढक दूँगी, इसको मैं लो फ्लेम में पका लूँगी 10 से 15 मिनट। यहाँ पर मेरी दही वाली भिंडी बनके तैयार है, देख सकते हो आप। यहाँ पर आ गई हूँ दोस्तों मैं किचन में, नहा धो के, कपड़े धो के, और सोमिया को भी नहला दिया है। सुबह के टाइम बहुत काम हो जाता है मेरे पास, 12 बज जाते हैं पूरे काम निपटाते निपटाते। तो यहाँ पर नहा धो के मैं बेल ली हूँ अब रोटी, गरम गरम रोटी सेक रही हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में। सबसे पहले लगा लूँगी खाना पापा जी के लिए, ससुर जी के लिए, उसके बाद से खाएँगे पतिदेव। तो यहाँ पर रोटी सिक गई है मेरी, एकदम फूली फूली रोटी सिकी हुई है। यहाँ पर दोस्तों सबको खाना खिलाने के बाद मैं अपने लिए ले आई हूँ, और यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब लाए थे खरगोश पड़ोस से, तो सोमिया उनके साथ खेल ली है। मैंने भी सोचा कि ना इनका भी वीडियो बना लिया जाए। अभी बज रहे हैं दोस्तों 7:00, तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। मैंने 3-4 आलू निकाल लिए थे अलग से, मैं इनके बना रही हूँ फिंगर चिप्स, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए थे 4, तो इसमें मिला लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला, ये सब मिला के इसको मैं मैश कर लूँगी हाथों से। अच्छे से मैश कर लेना है, इसमें कोई भी गांठ नहीं रहे। तो यहाँ पर मैंने एकदम आटे की तरह डो लगा लिया है इसका, हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसके बना दूँगी लंबे लंबे फिंगर चिप्स इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे फिंगर चिप्स बना लिए हैं, और यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख दी थी, इसमें तेल डाल दिया था सरसों का, तेल अच्छे से गर्म हो गया है धुआँदार, तो इसमें मैं डाल दूँगी एक एक करके फिंगर चिप्स।
यहाँ पर दोस्तों इनका कलर चेंज हो गया है, देख सकते हो आप। इनको मैं पलट लूँगी और पलट के 2 मिनट और सेक लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, कभी भी मेहमान आए तो झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इनको, बहुत ही प्यार से खाएंगे। सौम्या और सौम्या के पापा को तो बहुत पसंद आए, एकदम क्रिस्पी बने हुए हैं और झटपट से बनने वाली आसान रेसिपी है ये। आप इसको अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, तो एकदम करारे बने हुए हैं, देख सकते हो आप। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10, तो मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।